लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान शुरू होने के बाद वार और पलटवार की राजनीति तेज हो गई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गजरौला की अमरोहा लोकसभा सीट भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी फिल्म की शूटिंग चल रही है, इन्हें पहले ही लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगते हैं, निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। कहा कि अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 600 करोड़ रुपए मिले हैं। पीएम ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना तो सपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये लोग आए दिन राम मंदिर और सनातन धर्म के आस्था को गालियां दे रहे हैं। अभी भी रामनवमी पर प्रभु राम लला का भव्य सूर्य तिलक हुआ। आज जब पूरा देश राममय है तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्ति करने वाले को सार्वजनिक रूप से पाखंडी कहते हैं। पीएम ने कहा, एनडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं और अभी मेरे द्वारा समुद्र के नीचे जाकर के भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, लेकिन कांग्रेस के सहजादे कहते हैं कि समुद्र के नीचे पूजा करने का योग्य ही कुछ नहीं है। हमारी हजारों वर्ष की आस्था और भक्ति को ये लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए खारिज कर रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।